पानीपत की समालखा विधानसभा सीट पर मौजूदा कांग्रेस विधायक के राजनीतिक संकट को देखते हुए टिकट की होड़ में लगे नेता आजकल हसीन सपने देखने लगे हैं। बीजेपी जहां इस सीट पर पहली बार कमल खिलाना चाहती है, वहीं कांग्रेस के नेता भी पार्टी से विकल्प की आस लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। रोजाना अब मीटिंगें चल रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, रणनीति बन रही है। दूसरी तरफ विभिन्न पार्टियों के जो नेता लोग हैं, जो चुनाव का इंतजार करते हैं, टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे, आशीर्वाद मिला तो जनता की सेवा करेंगे, ये भाव रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो सियासी दलों से जुड़े हुए हैं। समालखा विधानसभा क्षेत्र से मोहकम छोकर हैं। चुनाव आते ही आप भी कोशिश कर रहे हो कि पार्टी कंसीडर करे, शायद पिछले चुनाव में भी आप उम्मीदवारी कर रहे थे। 2019 में भी मैंने दावेदारी की थी और अब फिर मैं दावेदार हूँ, लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1985 से मैंने राजनीति शुरू की थी और 2009 से मैं जो है ना वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। अभी कांग्रेस विपक्ष में है, समालखा की बात करें और जगह आपकी विधानसभा क्षेत्र की, विपक्ष में होने के नाते जनता की कितनी आवाज़ उठाई है, जनता से कितना जुड़ाव रहा है आपका? अगर आपको पार्टी कंसीडर करती है, टिकट देती है, फिर पब्लिक के बीच, वोटर्स के बीच जाना पड़ेगा, जनता से जुड़ाव कितना रहा है आपका? वैसे तो जनता के बीच में रहते हैं मेरे लगभग 24-25 साल से ना, अनाज मंडी बापोली के अंदर अड़त की दुकान है, वहाँ किसानों से भी और व्यापारियों से सभी से संबंध रहते हैं। और जिस तरीके से जो भी किसानों की समस्या है, जो भी अड़ती भाइयों की समस्या है, उनमें शरीक भी रहते हैं, लोगों के दुख सुख में भी शरीक रहते हैं, हर समस्या से अवगत भी हैं किसानों की भी और अड़तियों की भी। अब वहाँ पे बापोली वाली अगर हम देखें तो आज हमारे सामने जो है ना बापोली क्या पूरे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो बेरोजगारी की समस्या है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हो कि आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर वन पर हरियाणा है, और जिस तरीके से यहाँ पर हर एग्ज़ाम के पेपर लीक होते हैं, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, अगर थोड़े बहुत लग जाते हैं तो उनमें कानूनी कमियां रहती है, वो कोर्ट की मार्फत वापस आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे युवाओं के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। 1966 में हरियाणा का उदय हुआ था, पंजाब से तीन अलग राज्य बने, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा 1966 में। शुरू के दिनों में जब राजनीति थी, समालखा को आया राम गया राम का नाम दिया गया, जिस तरीके से एक विधायक ने तीन या चार बार पार्टियां बदली एक ही दिन में, तो पूरे देश में मैसेज गया था कि समालखा जो है आया राम गया राम का विधानसभा क्षेत्र है। आज भी उसको जिक्र आते तो कहते हैं। उसी समालखा में एक ये भी है कि ज़्यादातर विधायक जो बनते हैं वो विपक्ष के, अभी भी धर्म सिंह छोकर विपक्ष के हैं, वो ये कहते हैं जी सरकार नहीं है हमारी, पूरे भेदभाव हो रहे, काम नहीं हो रहा। तो आप उस क्षेत्र से टिकट मांग रहे हो जहां का जो विधायक है कांग्रेस का वो संकट में है, राजनीतिक संकट में है, थोड़ा सा अनिश्चितता सी आई हुई है, आपको लगता है कि पार्टी को ये बात भी सोचनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल पार्टी को सब कुछ ही सोच कर चलना पड़ेगा, और ऐसी बात नहीं है कि आज जो हालात जो प्रदेश के और देश के बन रहे हैं, जैसा आपने भी देखा हमारे हरियाणा की, तो लोकसभा चुनाव से जो स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाओ 2019 के अंदर 10 की 10 जो लोकसभा सीटें थी और बीजेपी जीत करके आई थी, तो भी उनका स्पष्ट बहुमत नहीं आया था। आज कांग्रेस की पोजिशन ये कि 5 सीटें वो जो है ना कांग्रेस की जीत करके आई है, प्लस हमारा परसेंटेज भी बढ़िया है, उनसे ज़्यादा विधानसभाओं में भी हम जीत करके आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज जो पोजिशन कांग्रेस की हरियाणा में है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक लगेगा हमारा ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा और भारी बहुमत से जो है ना कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर बनाएगी। सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री अपने भाषण देते हैं वो ये कहते हैं कि हम बिना भेदभाव 90 विधानसभा क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। विकास की जहां तक बात है, बराबरी होने की जहां तक बात है, समालखा में इन 5 सालों में कितना काम हुआ है? ऐसा संभालके की बात नहीं, वैसे तो चलो पर्टिकुलर में संभालके के बारे में बताता हूँ। संभालके के अंदर कोई भी ऐसा, कोई आप देख लो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कॉलेज या कोई इस तरीके का विकास का कोई भी काम संभालका में, पूरे जिले की स्थिति देख लो, कोई एक ईंट भी लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान दोनों बड़े नेता हैं स्टेट के, जिनको फ्री हैंड दिया पार्टी ने कि आप सरकार को सत्ता में लाओ। उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा भी बार बार कहते हैं कि इस बार टिकट सोच समझ कर देंगे, सर्वे भी चल रहा है, हालांकि एप्लीकेशन भी कांग्रेस ने मांगी है कि जिन्होंने चुनाव लड़ना है ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहे हैं।
ऐसा वैसे तो बात बहुत बढ़िया है, मेरिट के आधार पे टिकट देनी चाहिए, जो पार्टी के प्रति फेदफुल है उसको टिकट देनी चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, मैं 2009 से पार्टी के साथ जुड़िया हूँ और तब से लगातार हर संघर्ष में, हर पार्टी की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से समालखा सीट की चर्चा ज्यादा रहती है क्योंकि दल बदल वाला मामला या उसके बाद विपक्ष के विधायक ज्यादा मिले, और आजकल समालखा के कांग्रेस विधायक पर राजनीतिक संकट भी है क्योंकि ईडी के केस उन पर हैं और पीछे ये भी खबर है कि वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपना विकल्प भी तलाशना पड़ सकता है समालखा में। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।